फ्रेंड हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, ये कुछ फर्जी रिक्रूटमेंट का न्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे और बहुत सी सोशल मीडिया पे। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी संक्षेप में कहें कैग रिक्रूटमेंट 2023 करके चल रहा है कि इसमें 1763 वैकेंसी हैं या 1700 इतनी वैकेंसी हैं, ये लास्ट डेट है, ऐसे अप्लाई करना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें मैं आपको एग्जाम पूरा दिखाऊंगा सबूत के तौर पे कि पूरा फर्जी है। इसमें कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा है, ऑफिशियली इन्होंने निकाल दिया है, कैग ने ऑफिशियली भी उसमें जस्टिफाइड किया है। तो पूरा देख लीजिए, ये क्लेरिफिकेशन ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, क्लेरिफिकेशन इन्होंने निकाला है। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है कि ए न्यूज इज सर्कुलेटिंग इन सम सेक्शन ऑफ मीडिया दैट द ऑफिस ऑफ द कैग हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि ये जो जानकारी चल रही है, सूचना चल रही है, एक सर्कुलेशन चल रहा है पूरा सोशल मीडिया में, तो इन्होंने सर्टिफाइड किया है कि इट इज सर्टि क्लेरिफाइड दैट दिस इज नॉट इंटेंडेड टू बी ए रिक्रूटमेंट नोटिस। ये कोई रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं है। उसमें नए नए यूट्यूबर अपना बना बना के डाल रहे हैं कि 1700 से प्लस वैकेंसी है, 1800 वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर आप खुद पढ़ेंगे समझ जाएंगे वो क्या निकला है। ठीक है, अब हिंदी में हम बता दें कि प्रशासनिक सहायक, ठीक है, प्रशासनिक सहायक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 के पद के लिए मसौदा भर्ती नियम भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13/10 माध्यम से जारी निर्देशों में हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित 16/8/2023 को अपलोड किए गए थे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने साफ लिखा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका उद्देश्य भर्ती सूचना नहीं, यह कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, ये केवल इन्होंने अपने पार्टनरों से सलाह के लिए एक वो मांगा था, ठीक है, कमेंट मांगा था। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि कोई भी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस अधिसूचना में कोई भी आवेदन ना करें। ठीक है, तो आप लोग समझिए कैग में इस समय कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करें। और ये जो नए नए यूट्यूबर हैं, नए नए चैनल वाले हैं, ये सब व्यूज बढ़ाने के लिए फर्जी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिल रही है, यही फायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।